तेरे को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। जब जून 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर सिनेमाघरों में आई, तब फर्स्ट टाइम इंडियन ऑडियंस ने नोटिस किया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितने बेहतरीन एक्टर है। उसी साल अगस्त में जब वासेपुर का पार्ट 2 आया, तब सही मायने में नवाजुद्दीन ने बड़े पर्दे पर राज किया। ऊपरी सतह पर ये एक ओवरनाइट सक्सेस दिखाई पड़ता है, पर नवाज अपने जीवन में बड़ा संघर्ष कर यहाँ तक पहुँच पाए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट होकर उनको 10 साल से ज़्यादा हो चुके थे और उनको फर्स्ट टाइम अपने एक्टिंग का जलवा दिखाने का मौका मिला था। नवाज गैंग्स से पहले शुरुआती दौर में छोटे छोटे रोल में दिखाई दिए थे और उसमें भी उन्होंने अपने हुनर का जलवा दिखाया था, जिसमें सरफरोश का जेल के अंदर का इंटरोगेशन का सीन हो या मुन्ना भाई MBBS का चोर का रोल, वो हर रोल को अपने एक्टिंग ब्रिलियंस से बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया था और आज वो भारतीय सिनेमा के फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक है। आज हम उनके फिल्मी करियर के बेस्ट परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करेंगे। नंबर 15 पर है 2017 की फिल्म मॉम। ये फिल्म श्रीदेवी जी के जीवन की लास्ट फिल्म साबित हुई, जिसे डायरेक्ट किया था रवि उदयवार जी ने। नवाज ने इस फिल्म में DK कपूर नाम के कैरेक्टर की भूमिका निभाई थी। नवाज अपने कैरेक्टर को कितनी बारीकी से पढ़ते हैं, ये हमें जब अक्षय खन्ना उनका इंटरोगेशन करते हैं तब पता चलता है। माँ का आशीर्वाद और सनग्लासेस के बिना तो हम घर से बाहर ही नहीं निकलते। नंबर 14 पर है ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें नवाज को अच्छा स्क्रीन टाइम मिला था। अनुराग कश्यप जी की इस फिल्म में नवाज ने टाइगर मेमन के मैनेजर अजगर मुकदम की भूमिका निभाई। फिल्म में जब नवाज के कैरेक्टर का इंट्रोगेशन मुंबई पुलिस करती है, जो मुंबई बॉम्बिंग से रिलेटेड है, उस सीन में हमें नवाज के एक्टिंग का जलवा देखने को मिलता है। सर, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला। मैं तो अंदर घुस गया था जब मेरे को पता चला। शुरू से बोल। सर, 11 फरवरी को टाइगर भाई और जावेद चिकना दुबई गए थे। जावेद चिकना कौन है? टाइगर भाई का खास। नंबर 13 पर है हरामखोर, जिसे बनाया है श्लोक शर्मा जी ने। इस फिल्म में नवाज ने श्याम नाम के स्कूल टीचर की भूमिका निभाई थी। उनके कैरेक्टर की सराहना फिल्म समीक्षकों और सिनेमा दर्शकों दोनों ने भी जमकर की। जाना है तुझे? जाना है? जा चल जा, मेरी लाश पे सुधर के जा, जा चली जा। शरम नहीं आए है? शरम नहीं आए तुझे? मुंबई के सी ग्रेड इंडस्ट्री पर आधारित आशिम आहलूवालिया की इस फिल्म में नवाज ने ऐसे युवा की भूमिका निभाई है जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की राह पर चल पड़ा है। उनके इस कैरेक्टर की सराहना कांस फिल्म फेस्टिवल और जेम्स वैटकिंस, जिनके साथ नवाज ने बाद में मैक माफिया नाम की क्राइम ड्रामा सीरीज की, उन्होंने भी नवाज की इस परफॉर्मेंस की सराहना की। हाँ, डायरेक्टर है क्या? हाँ, डायरेक्टर हूँ, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टर हूँ। जब आप हीरोइन बन जाएंगे तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 11वें नंबर पर है 2017 की कुशन नंदी द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बाबू मशाय बंदूकबाज। उन्होंने इस फिल्म में एक लोकल हिटमैन की भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी उतनी दमदार न होने के बावजूद भी उन्होंने अपने कंधों पर इस फिल्म को चलाया है। 5 टका लगाने का 25, टाका लगाने का 5, और जो खड़े खड़े ताड़ है ना उसका 20। आज का सिलवाने आए हो? आज केवल ताड़ना है। जिस फिल्म में आमिर खान जैसे स्टार हो, उस फिल्म में किसी दूसरे सहायक एक्टर का चमकना मुश्किल होता है। लेकिन रीमा काकती द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नवाज ने अपने एक्टिंग की छाप छोड़ी है। नवाज ने इस फिल्म में तैमूर नाम के एक अपंग व्यक्ति की भूमिका निभाई है, जो वेश्या व्यवसाय में दलाली करता है। एक एक्टर को अपंग की भूमिका निभाना हमेशा मुश्किल होता है, पर नवाज ने वो परफेक्शन से इस रोल को निभाया है। मेरे को 50 लाख मांगता है आपका राज, राज रखने के वास्ते। करते क्यों? भीख मांगता हूँ साहब, बहुत ही गरीब आदमी हूँ, खाने को भी पैसा नहीं। नंबर 9 पर है संजय घोष की फिल्म कहानी, जिसमें नवाज ने सख्त स्वभाव के IB ऑफिसर ए खान की भूमिका निभाई थी। ऐसा कैरेक्टर इससे पहले कभी किसी ने प्ले नहीं किया था। नवाज के इस हटके परफॉर्मेंस को फैंस ने बहुत सराहा था। मिसेस बागची, क्या हो रहा है ये? क्या मैं? हाँ? आप यहाँ कौन है बेटू? देखिए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आउट। लेकिन आप कौन है? आउट। आए, दरवाजा बंद करके जा। नंबर 8 जाता है बॉम्बे टॉकीज को। बॉम्बे टॉकीज एक एंथोलॉजी फिल्म थी
जिसमें चार अलग अलग कहानियाँ थी। नवाज जिस कहानी में थे उसे दिबाकर बैनर्जी ने डायरेक्ट किया था। नवाज का यह रोल ऐसा था मानो नवाज की एक खुद की लाइफ स्टोरी और स्ट्रगल हो। उन्होंने एक जॉबलेस आदमी की भूमिका निभाई जो अपने रोज़मर्रा के जीवन में संघर्ष करता है। उनके इस रोल को क्रिटिक्स ने बहुत सराहा, मानो ऐसे लगता है जैसे नवाज ने ये रोल अपने दिल से निभाया हो। क्या हुआ? नहीं करना। मैडम धक्का नहीं लग सकता। मैं ऐसे कैसे कह सकते हो? इतनी दूर से हीरो चल के आ रहा है, मैं तो सामने से उसको देख लेगा ना, धक्का कैसे लगेगा? गाइस वी हैव टू डू दिस नाउ, लेट्स गो। आशा वेयर्स द धक्का मैन। अखबार मिलेगा? हां, मैं पढ़ते पढ़ते जाएगा, फट से धक्का लगेगा, झट से लाइन बोल के। नवाज ने केतन मेहता की इस फिल्म में अपने एक्टिंग की रेंज कहाँ तक है ये दिखाया था। किसी रियल लाइफ व्यक्ति की भूमिका निभाना किसी एक्टर के लिए हमेशा मुश्किल ही होता है, पर नवाज ने ये काम बखूबी निभाया था। उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से दशरथ मांझी जी को बखूबी निभाया। उन्होंने अपने इस परफॉर्मेंस से लाखों सिनेमा लवर्स के दिलों को छू लिया था। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ थोड़े से भी मुश्किल है का? छठे स्थान पर है 2010 में आई फिल्म पीपली लाइव, जो ऑस्कर के लिए इंडिया से ऑफिशियल सबमिशन थी। अनुजा रिजवी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नवाज ने एक रिपोर्टर की भूमिका निभाई है। उन्होंने पत्रकार की हर क्वालिटी अपनी भूमिका से निभाई। नवाज अपने इसी रोल से ही लाइमलाइट में आए और समीक्षकों द्वारा भी अप्रिसिएशन प्राप्त किया। श्रीराम राघवन जी के इस रिवेंज थीम पर आधारित फिल्म में नवाज के साथ वरुण धवन लीड रोल में थे। नवाज ने लाइक नाम के व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। नवाज के कैरेक्टर में हमें परतें दिखाई पड़ती है। एक्चुअल में उसने क्राइम किया है पर उसे हमेशा नकारता है और अंदर ही अंदर उसको एक मिस्टेक लगती है। नवाज ने सही मायने में अपने रोल से फिल्म पर राज किया था। मिला सबको? मिला बटर उसने क्या पैसा वो लेके भागा, मेरे को काय को मारते हो साहब? मेरे को 2 दिन का टाइम दो, मैं आपके सामने लाके खड़ा करेगा उसको। अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी और नीरज गहवान द्वारा निर्देशित इस नेटफ्लिक्स की पहली इंडियन ओरिजिनल सीरीज में नवाज ने गणेश गायतोंडे नाम के गैंगस्टर की भूमिका निभाई है। इस सीरीज में नवाज के कैरेक्टर की पूरी जर्नी दिखाई थी। नवाज ने युवा से लेकर प्रौढ़ तक इस कैरेक्टर को बेहतरीन ढंग से निभाया था। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? बोलो कितने तीतर? सामने रख दो ना, गिन के बता देगा 3 तीतर। अब पहलिया बुझाओगे तो तीनों तीतर गांड में डाल देगा पंख समेत, जहां से खाओगे ना वहीं सहगना पड़ेगा। तीसरे स्थान पर है रितेश बात्रा की फिल्म द लंच बॉक्स, जो आई थी 2013 में। नवाज जिन रोल्स के लिए जाने जाते थे उससे हटकर रोल उन्होंने द लंच बॉक्स में निभाया था। उनके कैरेक्टर का बोलने का तरीका, इनोसेंस, सब कुछ भाने वाला था। इस फिल्म में नवाज सहायक भूमिका में थे, लीड रोल में इरफान खान थे। सही है, जो भी आप पूछ रहे थे ना कि आप लोगों की शादी कब हुई, एक्चुअली इसके अपन ने मना कर दिया। बोलते लड़का अनाथ है, हार्ट भी कोई खास नहीं, काला का लोटा है। तो मैं तो निशा यहाँ भाग के आ गई थी। ये शायद नवाज के करियर का सबसे बेस्ट और सबसे डिफिकल्ट रोल था। अनुराग कश्यप की इस फिल्म में नवाज ने साइको किलर की भूमिका निभाई थी, जिसका दुनिया को देखने का नज़रिया एक आम इंसान से बहुत अलग था। नवाज ने इस कैरेक्टर को जैसे अपने अंदर उतार लिया था। नवाज को शूटिंग कंप्लीट करने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था क्योंकि वो अपने नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पा रहे थे। उन्होंने इतना अपने आप को इस कैरेक्टर में झोंक दिया था। इस लिस्ट की नंबर 1 फिल्म बताने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और नंबर 1 बिना किसी शक के जाता है गैंग्स ऑफ वासेपुर को। सही मायने में इस फिल्म से नवाज़ के लाइफ को अलग दिशा मिली। नवाज़ ने फैजल खान के कैरेक्टर को अपने परफॉर्मेंस से आइकॉनिक बना दिया। इस रोल को नवाज़ ने
बेहतरीन से निभाया। फिल्म के पहले हाफ में वो सहायक भूमिका में थे, उनके कैरेक्टर का इनोसेंस, और दूसरे पार्ट में जब वो मुख्य किरदार बन जाते हैं तब उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक है। फैजल खान के पूरी लाइफ के जर्नी को नवाज ने इतनी सहजता से निभाया है कि देखने वाला दंग रह जाए। एक दुकान खुला नहीं रहना चाहिए, पूरा का पूरा फासेपुर बंद करवाओ उनकी मादर चौध, बुरका चौदह हमारी अम्मा को मारा बीच बाजार में। नवाज ने 20 से भी ज्यादा साल के करियर में अलग अलग और चैलेंजिंग रोल्स किए हैं। नवाज एक मेथड एक्टर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को इतनी खूबसूरती से निभाया है कि हम उनके अलावा किसी और को उस कैरेक्टर के लिए कल्पना भी नहीं कर सकते। यही उनमें के सच्चे एक्टर की निशानी है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।